प्रतियोगी परीक्षाओं का समय है और ये परीक्षाएं हमारे जीवन में निर्णीत स्थिति होती है। इसके लिए हमें सतत प्रयास, सतत परिश्रम की आवश्यकता होती है। कुछ प्रश्न मैंने आपकी सहायता के लिए संस्कृत के तैयार किए हैं, उसी श्रृंखला में आज हम और प्रश्न कर रहे हैं। इसी शुभकामना के साथ कि आप सफल हो तथा आप गहन अध्ययन करें। तो आज हमारा प्रश्न है, यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम अनुसारेण सर्वाधिकः सम्मतः मतो अस्ति। इसका अभिप्राय है, यथोत्तर मुनियों का के वचन को सर्वाधिक या अधिक प्रमाणित मानना चाहिए, इसके अनुसार किस आचार्य का मत सर्वाधिक मान्य है। बच्चों, संस्कृत व्याकरण के मुनित्रय आचार्य पाणिनि, आचार्य कात्यायन तथा आचार्य पतंजलि हुए हैं। इन्हीं के ग्रंथों में, जैसे आचार्य पाणिनि के सूत्र पाठ में जो कुछ उक्त, अनुक्त तथा दुरुक्त था, उसको संपूर्णता प्रदान की वार्तिक के द्वारा आचार्य कात्यायन ने, तथा आचार्य कात्यायन के आशय को संपूर्ण करने के लिए आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। तो इस प्रकार उत्तरोत्तर मुनि अर्थात पाणिनि से अधिक कात्यायन तथा कात्यायन से अधिक पतंजलि के मत को प्रमाणित माना जाता है। तो बच्चों, हमारा जवाब है पतंजलि। अब हमारा प्रश्न आता है, पतंजलि कृति रस्ति। पतंजलि की रचना कौन सी है? पतंजलि की कृति है महाभाष्यम। प्रादिधन धातु है इत्यत्र प्राधे है के संज्ञे कहा भवन्ति। बच्चों, प्रादिधन धातु है, जब प्र आदि 22 धातु के योग में आ जाते हैं तो उनकी संज्ञा क्या होती है? उपसर्गः। सुप्त्यन्तं भवति। सुप्त्यन्तं किं भवति? सुप्त्यन्तं पदं भवति। बच्चों, जब शब्द और धातु ये क्रमशः विभक्तियों में और लकारों में चलते हैं तो ये पद बन जाते हैं। जैसे राम है, भवति, और ये सुबंत तथा त्यंत पद कहलाते हैं। इसी प्रकार इत संज्ञा सूत्राणि कतिपयानि। इत संज्ञक सूत्र कितने कहे गए हैं? षड्। कौन कौन से बच्चों? हलंत्यम उपदेशे अजनुनासिक इत आदिरी टू डवह शह प्रत्यस्य लशक क्वे तद्विते तथा चूटो। ये हमारे 6 इत संज्ञक सूत्र होते हैं। रील री वर्णयोर मिथः किं वाच्यम्। रील री वर्णयोर मिथः सवर्णम वाच्यम्। बच्चों, हमने पढ़ा है ऋतु रसाणाम मूर्धा तथा ऋतु लसानाम दंतः। इन सूत्रों से तो ये दोनों के दोनों सवर्ण संज्ञक नहीं है, लेकिन रील री वर्णयोर मिथः सवर्णम वाच्यम्। ऋकार तथा लृकार इस वार्तिक से सवर्ण संज्ञक कहे गए हैं। इसी प्रकार धातु सूत्र गणनादि इत्येषां संज्ञा का उपदेशः। प्रदीप टीका यह लेखको अस्ति। प्रदीप टीका के लेखक हैं आचार्य कैयट। प्रदीप टीका बच्चों पतंजलि के महाभाष्य पर लिखी गई है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है बच्चों? वृद्धिरादैच। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारे प्रश्न है,
आप अच्छे से इन्हें तैयार कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम और प्रश्नोत्तर करेंगे।